नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में जो आपके एग्ज़ाम ओ लेवल के जुलाई 2021 में होने वाले हैं उसका जो टाइम टेबल है जो कि ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया है, उसको पब्लिश कर दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग ओल्ड सिलेबस या फिर नए सिलेबस जिससे भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसमें हम आपके साथ में टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा टाइम टेबल जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10 जुलाई को M1R4 जो कि ओ लेवल का ओल्ड सिलेबस था उसका एग्ज़ाम होगा। और 10 तारीख को ही आपका M1R5 जो कि नया सिलेबस है और पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि 10 जुलाई को M1 का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो या फिर न्यू सिलेबस हो। देन इसके बाद 11 जुलाई को इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग जिसका कोड है M2R4, और उसी दिन आपका नया सिलेबस M2R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग इसका एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मीन्स ये है 11 जुलाई को M2 का एग्ज़ाम होगा, R4 और R5 दोनों का होगा, जो आपने फिल किया होगा उससे आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने हाल ही में एडमिशन लिया है और आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को R5 ही पढ़ना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद 12 जुलाई को जिन लोगों का ओल्ड सिलेबस है उनका एग्ज़ाम होगा सी लैंग्वेज का, और जिनका नया सिलेबस यानी R5 है उनका एग्ज़ाम होगा पाइथन का। तो 12 जुलाई को M3 का पेपर होगा। देन इसके बाद 13 जुलाई यानी कि 13 जुलाई को M4R5 और M4R4 के जो तीनों मॉड्यूल हैं, अगर आपने फिल किया होगा .NET तो आपका एग्ज़ाम .NET का होगा, अगर आपने फिल किया होगा मल्टीमीडिया तो आपका एग्ज़ाम मल्टीमीडिया से होगा, अगर आप लोगों ने ICT फिल किया होगा तो आपका एग्ज़ाम ICT का होगा। कहने का मीन्स ये है कि जो ये आपका तीन है इन तीनों में से किसी एक का होगा जिनका ओल्ड सिलेबस है जो आपने फिल किया होगा। देन इसके बाद अगर आप लोगों का नया सिलेबस है तो आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का एग्ज़ाम देना होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि चाहे बंदा ओल्ड सिलेबस से हो या फिर न्यू सिलेबस से हो, उसके एग्ज़ाम 10, 11, 12 और 13 को होंगे। 10 को M1 का, 11 को M2 का, 12 को M3 का और 13 को M4 का। देन इसके बाद अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल किया होगा, ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल किया होगा तभी आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस है वो ₹500 होती है, अगर आपने वो पे की होगी तो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होगा। तो चाहे आप नए सिलेबस से हों या फिर ओल्ड सिलेबस से हों, आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 31 जुलाई और 1 अगस्त को होगा। कहने का मीन्स ये है कि जो प्रैक्टिकल हैं इन 2 दिन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है किस दिन है, 31 को है या फिर 1 को है। ध्यान दीजिए, आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन जाना है और 1 दिन में प्रैक्टिकल के 2 बैच होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि 31 जुलाई को S1 और S2 का होगा और 1 अगस्त को S3 और S4 का होगा। तो जो भी आपका बैच होगा तो आपको उस बैच में जाना होगा, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद अगर आपने प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल किया था तो उस केस में जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है वो आपको अलग से डाउनलोड करने को मिलेगा। कहने का मीन्स ये है कि जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, थ्योरी वाले, तो उसके कुछ दिन के बाद यानी कि 4 से 5 दिन के बाद अगर आपने प्रैक्टिकल का फॉर्म लॉक किया होगा तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। कहने का मीन्स ये है कि थ्योरी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अलग आएगा और प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग आएगा। तो ये तो बात रही टाइम टेबल के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए सिलेबस हैं तो आप लोगों को R5 का एग्ज़ाम देना है, अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस से हैं तो आप लोगों को जो ऊपर डेट दी गई है इन पे एग्ज़ाम देना है। अब बात ये आती है कि जो पेपर रहेगा एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहेगी। तो जो ओ लेवल का पेपर है ये हमेशा आफ्टरनून में होता है और टाइम रहता है 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपकी टाइमिंग है वो रहती है 3 घंटे की, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की आपका पेपर होगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। और जो पेपर होता है मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। तो जो पेपर है ये आपका 2 पार्ट में होता है। पेपर कितने पार्ट में होता है, पेपर 2 पार्ट में होता है, पार्ट पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है
इसमें आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव। कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव? कहने का मीन्स ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिलेगी OMR सीट। जो भी क्वेश्चन आपका जो जिस भी ऑप्शन सही हो उसके आगे आपको उसे फिल करना होगा। और जो पार्ट सेकंड होता है वो आपका होता है सब्जेक्टिव। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो पार्ट वन है इसमें आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव और इसमें आते हैं 40 क्वेश्चन और एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो आपका पार्ट वन है ये 40 मार्क्स का होता है, जबकि जो पार्ट बी है ये 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। और आप लोगों को पास होने के लिए इस 40 में से कम 20 नंबर लाने होंगे। कम से कम 20 नंबर आपके 40 में से आने चाहिए यानी कि पार्ट वन में। और ओवरऑल 100 में से आपके 50 नंबर कम से कम होने चाहिए तभी आप पास माने जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसने पार्ट वन में, ठीक है, PART पार्ट वन में उसने ऑब्टेन किए हैं फॉर एग्जांपल 32 मार्क्स। कितने? 32 मार्क्स। और जो पार्ट टू है, उसमें उसके आ गए हैं फॉर एग्जांपल 18। तो इस केस में ये बंदा पास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्ट वन में कम से कम आप लोगों के 20 होने चाहिए, जो कि इस बंदे ने लाए कितना, 32। तो इसमें तो ये पास हो गया। तो इस केस में जो पार्ट टू है उसकी कॉपी चेक की जाएगी। तो इसमें इसने ऑब्टेन किया 18 और मैंने कहा है कि आपके ओवरऑल होने चाहिए 50। तो इस केस में 32 और 80 कितने हो जाएंगे? 50। तो इस केस में जो बंदा है ये पास माना जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि आपको यहाँ पर अलग अलग 40 में से 20 और 60 में से 30 नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट वन में कंपलसरी है कि आपके 20 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद ये तो बात रही आपके पार्ट वन और पार्ट टू के मतलब जो पासिंग मार्क उसके बारे में। तो पार्ट वन में आपके 40 में से 20 होने चाहिए कम से कम और ओवरऑल 50 होने चाहिए। देन इसके बाद जो ये आपके 60 मार्क्स हैं इनमें आपके यानी जो पार्ट बी है उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 5 और आपको उनमें से 5 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। कितने? 4 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। कहने का मीन्स ये है कि जो ये आपका पहला आएगा ऑप्शन, दूसरा वाला आपका आएगा ट्रू फॉल्स, तीसरे पे आएगी मैचिंग, चौथे क्वेश्चन पे आएगी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे और नवे नंबर पे ये आपके रहेंगे। कैसे क्वेश्चन? ये रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देने को मिलेंगे। तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पर पार्ट बी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आप लोगों को आपकी स्पीड जो लिखने की है उसको मेंटेन करना होगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ओ लेवल का जो जुलाई 2021 का टाइम टेबल है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। क्या टाइम होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है और साथ ही जो पासिंग कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और वहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और जो आपकी जानकारी है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं स्टूडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।